नमस्ते और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये महीना सिर्फ रोशनी और खुशियों का ही नहीं बल्कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ क्रिएशन का भी है। मैं हूं गीतर्ष और आप देख रहे हैं हमारा शो इन्वेस्टरी। आज हम बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में, जो कि दिवाली के दिन स्टॉक मार्केट में वो एक घंटा होता है जिससे शुभ माना जाता है और सारे इन्वेस्टर्स इस एक घंटे में काफ़ी हाई वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। अब ये मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है, इस साल किस दिन होगा मुहूर्त ट्रेडिंग, मुहूर्त ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या है हम वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए, हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कैसे ले सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड या इन्वेस्ट करते वक्त, हम ये सब समझेंगे। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेक श्योर कि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है, सो यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। मुहूर्त ट्रेडिंग का इतिहास भारतीय स्टॉक मार्केट की परंपराओं में से एक है। ये विशेष ट्रेडिंग सेशन दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद होता है और लगभग एक घंटे का होता है। इस समय काफ़ी लोग अपने पहले या नए इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करते हैं ये मान के कि गॉडेस लक्ष्मी उन्हें वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी देगी। मुहूर्त ट्रेडिंग की खूबी ये है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। आप छोटी राशि से शुरू कर सकती हैं और धीरे धीरे अपनी समझ के अनुसार इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आता है, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लीजिए। दिवाली के दिन ट्रेडिंग और बिजनेस कम्युनिटी के लिए नया साल शुरू होता है। ट्रेडिशनल स्टॉक ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स के लिए नए अकाउंट्स खोलते हैं और पुराने साल के हिसाब को बंद करते हैं इस शुभ मुहूर्त पर। ब्रोकन कम्युनिटी चौपड़ा पूजन करती है, जिसमें वो लोग अपनी अकाउंट्स की पूजा करते हैं। इस दिन वो भगवान लक्ष्मी से धन, समृद्धि और सफलता की प्रार्थना करते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा को 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया था। 1992 के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसे दिवाली के दिन ऑर्गेनाइज करता रहा है। डेट एंड टाइमिंग ऑफ मुहूर्त ट्रेडिंग इन 2023। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग 12 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहां ब्लॉक डील सेशन होगा 5:45 PM से 6 PM। प्री ओपनिंग मार्केट सेशन होगा 6 PM टू 6:08 PM। नॉर्मल मार्केट सेशन, जहां हम रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं, वो होगा 6:15 PM टू 7:15 PM। कॉल ऑप्शन सेशन होगा 6:20 से 7:05 PM। क्लोजिंग सेशन होगा 7:25 PM से 7:35 PM। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो मुहूर्त ट्रेडिंग की शुभ घड़ी में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास आपके लिए कुछ सजेशंस हैं जो आपको इस शुभ घड़ी में मैक्सिमम बेनिफिट उठाने में मदद करेंगे। डू योर ओन रिसर्च। पहला सजेशन है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी या शेयर के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग के समय लोग इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें बड़ा लॉस हो जाता है। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है कि मैंने जब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी, मैंने ब्लू चिप स्टॉक प्रेफर किए थे। मैंने ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदे थे पहली बार मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में, और तब से मैं कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें याद रखना है कि हम पेशेंस बनाए रखें और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें, ताकि हम अपने पैसे को ग्रो कर सकें। फिक्स अ टाइम फ्रेम। आगे बढ़ने से पहले सोचिए मुहूर्त ट्रेडिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या तुम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना चाहती हो या लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो? अपने गोल्स को साफ तौर पर समझें और फिर उसी के अनुसार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार करें। जैसे मैंने बताया, मैंने जब इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की, तब मैंने ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मेरे गोल्स लॉन्ग टर्म थे। अगर मेरे गोल्स शॉर्ट टर्म होते, तो मैं वो स्टॉक्स पिक करती जो टेक्निकली बुलिश सिग्नल दे रहे होते, ताकि मैं कम समय में अच्छा रिटर्न अर्न कर पाती। सजेशन नंबर 3, स्टार्ट स्मॉल। अगर आप पहली बार मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो छोटी राशि से शुरू करना समझदारी है। इससे आपको मार्केट के उतार चढ़ाव समझने में आसानी होगी, बिना ज्यादा रिस्क उठाए। डाइवर्सिफाई।
जरूरी नहीं है कि आप सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाओ। मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 2-3 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, जब आप स्टार्ट करोगे तब आपके पास कुछ कंपनी के बस 2-3 शेयर्स ही होंगे, पर जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने लगोगे और मार्केट के बारे में समझोगे, तब आपके ये 2-3 शेयर्स 200, 300 या 2000, 3000 क्वांटिटी में हो जाएंगे। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। सजेशन फॉर ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन से पहले ही सारी स्ट्रेटजीज रेडी रखनी है, क्योंकि ये ट्रेडिंग सेशन स्पेशल होता है और 1 घंटे का ही होता है, तो आपको बिफोर हैंड ही सारा प्लान स्ट्रेटजी रेडी करके रखना होगा। डिसिप्लिन रहना और इमोशनल ट्रेडिंग ना करना इज वेरी वेरी क्रूशल। स्टॉप लॉस को यूज करें और फिर ही एंट्री लें। याद रखें, मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन होता है, तो आप पहले ही अपनी स्ट्रेटजीज और सेटअप रेडी रखें। ये सजेशंस आपको इन्वेस्टिंग के इस स्पेशल मुहूर्त में समझदारी और साथ ही साथ स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और याद रखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग एक शुरुआत है। रेगुलर इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन आपको एक सफल इन्वेस्टर बनने की दिशा में ले जाएगा। इन्वेस्टिंग सीखना चाहती हैं, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्वेस्टरी के एपिसोड्स को रेगुलरली फॉलो कीजिए। आप सभी को फिर से एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे एम्पावर्ड, इन्वेस्ट वाइजली एंड सेलिब्रेट सेफली। Until next time, happy investing or happy Diwali. All the best for your Muhurat trading or happy Diwali. Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.